हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्मृति एनएम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, मैं अभी जस्ट ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आफ्टरनून में थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, थोड़ा ही किया था यार, कहाँ हो पाता है रेस्ट। अब मैं बना रही हूँ पापा के लिए खाना, क्योंकि पापा ऑफिस निकलेंगे और हमें भी कहीं निकलना है, कहीं जाना है काम से। मतलब अभी तो वैसे मम्मी के यहाँ ही जा रहे हैं लोग, तो खाना वाना बन जाए, पापा ऑफिस निकलेंगे, फिर हम लोग सब जाए निकलेंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी और येलो वाली दाल, बिल्कुल सिंपल खाना। येलो वाली दाल बना रहा हूँ, गिलास आपको चाय पी दे बताइए आप लोग कैसे हैं? एक ही काम कर करके बोरियत हो जाता है। सुबह भी खाना, दोपहर को भी खाना, रात को भी खाना, 24 घंटे खाना। कोई टाइम ऐसा भी होना चाहिए जिसमें ये हो कि इस टाइम नहीं खाना, छुट्टी हो खाने की और ये बनाने की, बनाने की भी छुट्टी हो, खाने की भी छुट्टी हो और ही होगा। और हमें कोई ऐसी कह रहे कि आज हम तुम्हें बना के देंगे, आज तुम हमारे हाथों से खाओगी। एक सिंक बर्तन ये धो रही है, क्या कर सकते हैं यार, हम लड़कियों की लाइफ ही ऐसी ही है। अभी तक हम लोग चाय नहीं पिया है, जब चाय बनी हुई है तब चाय पीने का टाइम मिलता है। एक तो आधे से ज्यादा जो टाइम हमारा होता है वो पृथ्वी ले जाता है, आधे से ज्यादा टाइम जो होता है वो पृथ्वी ले जाता है। कभी कुछ कर दे रहा है, कभी भाग रहा है इधर उधर, तो संभालना पड़ता है उसको, बहुत कुछ करना पड़ता है यार। बच्चों में ना मतलब ये लगा लो कि सारा टाइम निकल जाता है। ये आप लोग इसकी बदमाशियाँ देखो, क्या कर रहे थे तुम? देखो इसकी बदमाशी, ये अभी आगे गिरोगे, गिरोगे तुम। देखो इसकी बदमाशी, इतना शैतान हो गया है ये, इतना शैतान बच्चा ना, क्या बताऊँ मैं, पता नहीं इतना। अरे बाप रे, मैं खुद ही गिर जाऊँगी, इतनी शैतान। कहाँ लेके जा रहे हो पिलो तुम, ये पिलो लेकर कहाँ जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो तुम पिलो को, हैं? तो यहाँ पर बना रही हूँ भिंडी की सब्जी और इसमें सिर्फ मैंने जीरा, आज मंगलवार है तो हमारे यहाँ प्याज व्याज लहसुन वसुन नहीं यूज़ होता मंगल और वीरवार को, तो इसमें सिर्फ मैंने डाला है मेथी और जीरा को बढ़िया थोड़ा सा ब्राउन होने तक के छोड़कर उसके बाद सब्जी इसमें डाल दिया है। थोड़ी एक आलू है, बाकी सारी भिंडी है। और लास्ट में मैंने जब सब्जी मेरी होने वाली थी तब मैंने ये टमाटर डाला। टमाटर इसलिए डाला क्योंकि पापा लंच लेकर जा रहे हैं इसको आज। वैसे हम लोग जो सूखी सब्जी होती है जो फ्राई करके बनाते हैं उसको लंच में नहीं देते क्योंकि बहुत सूखा सूखा सा लंच लगता है, तो खाने में वो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो अगर आप लोग भिंडी की सब्जी पसंद करते हैं और लंच में ले जाना पसंद करते हैं तो, लेकिन ले सूख जाती है सब्जियाँ तो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए उसमें ना एक टमाटर अगर आप डालेंगे तो सब्जी में थोड़ी सी मतलब नमी बनी रहती है और सब्जी सूखती नहीं है, आप उसको ईजिली खा सकते हो और वो टेस्ट भी अच्छा आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छा, इनफैक्ट बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो एक बार ऐसा ट्राई करना आप लोग, अगर आप लोग चाहते हो तो ऐसा कुछ देखकर बनाना। सो दाल भी रेडी हो गई है, ये है सिर्फ तड़का लगाना है दाल में, रोटी राइस बस। सो हाय गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने पहना है बिल्कुल सिंपल सा सूट यार। इसको मैंने कल ही मतलब स्टिच अभी करके स्टिच होकर ही आया है, बहुत ढीला हो गया यार ये, तो मैंने पहन लिया है। गर्मियों में वैसे भी कैसा भी पहन लो ढीला ढाला सब चलता है। तो बस हम लोग निकल रहे हैं मम्मी के घर के लिए और रात के बज रहे हैं 8। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ पहुँच के आप लोगों से बातें करते हैं। यहाँ मैं अभी पानी गर्म कर रही हूँ इसके लिए क्योंकि इसको पीना है दूध, तो पहले एक बार पिला देती हूँ उसके बाद वहाँ जा कर देखेंगे। ओके, सो करते हैं आप लोगों से बातें।
हम लोग निकल पड़े हैं, अभी सिग्नेचर ब्रिज ही पहुंचे हुए हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी यार कि कैब नहीं बुक हो रही थी। बड़ी मुश्किलों से जितनी भी कैब बुक हो लेकिन वो कैंसिल हो जा रही थी, आ नहीं रही थी वही लोकेशन तक। एट द एंड हमको ऑटो करना पड़ा और हमने ऑटो लिया। कैब थोड़ा सा सेफ हो जाता है, बाकी तो और कुछ दिक्कत नहीं है यार, ऑटो में भी सही लगता है बैठ कर। तो यहाँ पर हम लोग सिग्नेचर ब्रिज पहुँचे हैं और पहुँचने ही वाले थे, मम्मी का फ़ोन आ जाता है। रास्ते में ही थे हम लोग कि आज हम लोग डिनर बाहर करेंगे, घर पर नहीं करेंगे। सो आप लोग आ जाओ, मतलब हमारे वहाँ मायके के पास में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम लोग अक्सर जाते रहते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ पर पहुँच गए, मम्मी पापा का वेट करने लग गए। फिर वहाँ पर मम्मी पापा आ गए, मम्मी आते ही ये नहीं देख रही, मेरी तरफ तो देख ही नहीं रही थी कि मैं भी यहाँ पर खड़ी हूँ। अपने नाती की तरफ देख रही थी और आने के साथ में अपने नाती को इन्होंने ले लिया। ऐसे ही होता है यार, धीरे धीरे जब अपने बच्चे हो जाते हैं तो मम्मी पापा जो होते हैं वो हमें हमारा प्यार भूल जाते हैं और बच्चों को सारा प्यार देने लगते हैं, उन पर सारा प्यार लुटाने लगते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मिल चुके हैं सारे के सारे लोग, मेरी सिस्टर्स भी आ गई हैं, बड़ी वाली छोटी वाली चीजू और मेरे हस्बैंड, हम लोग सब इकट्ठा हो चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे आराम से बैठ के, थोड़ी देर खाएंगे पियेंगे अच्छे से। ये टाइम जो होता है यार बहुत कम मिलता है फैमिली के साथ रहने का, उनके साथ उठने बैठने खाने पीने का। तो जो भी टाइम मिले अगर आप लोगों को मिल रहा है तो फैमिली के साथ प्लीज़ इन्जॉय करें, बिकॉज़ ये टाइम नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है हमें। आई थिंक मिला हुआ है ये टाइम सालों के बाद मिला हुआ है। ये जो रेस्टोरेंट है ये है ईस्ट दिल्ली मयूर विहार फेस वन के आसपास है, यूथ डोसा करके हैं। लेकिन यहाँ पर नॉर्थ इंडियन भी मिलता है और साउथ इंडियन में मिलता है। वैसे ये बेसिकली साउथ इंडियन के लिए काफ़ी फेमस है, लेकिन अब इन्होंने एक नया स्टार्ट किया है जहाँ पर नॉर्थ इंडियन भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। अभी यहाँ पर डिसाइड हो रहा है कि हम लोग क्या खाने वाले हैं, साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन। तो लेट्स सी क्या खाते हैं। मम्मी का तो मोमोज मन कर रहा था खाने का, पता नहीं मम्मी का कर रहा था किसका कर रहा था। और कुछ लोगों का यहाँ पर डोसा आ गया है और पापा मम्मी ये लोग नॉर्थ इंडियन खाएंगे, बिकॉज़ अभी मेरे ख्याल से जल्दी में ये लोगों ने एक दो दिन पहले ही लोगों ने खाया था डोसा, तो नहीं मन कर रहा था इनका खाने का, तो इसलिए लोग नॉर्थ इंडियन खाएंगे। और पृथ्वी को आप लोग देख सकते हैं अपनी नानी के साथ किस तरीके से बैठ के इतना तीखा तीखा मोमोज का ही टेस्ट ले रहा था कि क्या बताऊँ आप लोगों को। It gets confusing when you say you love me, when you say that we're just friends. You must be thinking